जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के पवन दूतिका चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाने वाला हूं कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको व्याख्या लिखनी है, कैसे आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है, यानी आपका एक एक डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आपको वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है और जो कठिन मीनिंग्स बताई जाएं उनको लिखते जाना है, ठीक है, ताकि बाद में आपको रिवीजन करते समय आसानी हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पवन दूतिका का मतलब क्या है। देखो दूत होता है, दूत का काम क्या है, यहाँ से वहाँ संदेश भेजना, और दूतिका क्या होती है, दूत की पत्नी होती है। यानी इस चैप्टर में राधिका जी ने यानी राधा जी ने वो पवन को यानी हवा को दूतिका के रूप में माना है, यानी पवन के द्वारा यानी हवा के द्वारा संदेश भिजवाया है किसके पास, कृष्ण जी के पास, ठीक है, जो कि कृष्ण जी कहाँ हैं, मथुरा में हैं, और राधा जी कहाँ हैं, ब्रज में हैं, ठीक है, ये पूरी स्थिति है और यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक व्याख्या को समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना माने दुखी मन से, खिन्ना माने दुखी मन से, यक माने एक दिवस माने दिन, वे माने वह कौन, राधा जी, ठीक है ना। गेह में यानी घर में, अकेली माने अकेली, यानी एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी मन से बैठी हुई थी। अब वो दुखी मन से क्यों बैठी हुई थी, देखो दुखी मन से इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि उनके प्रीतम कृष्ण कन्हैया जो थे वो मथुरा में जाके वहीं पे टिक गए और फिर दोबारा ब्रज वापस नहीं आए, इसी वजह से वो दुखी हुई थी क्योंकि उनके वियोग में उनको दुख था, ठीक है ना। और तभी क्या हुआ कि आके आंसू द्रग युगल, द्रग माने नेत्रों के, युगल माने युग्मों से, यानी दोनों नेत्र, द्रग युगल का मतलब क्या हुआ, दोनों नेत्र, यानी उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ करके धरा माने पृथ्वी को भिगोते माने भिगो रहे थे, यानी धरती को भिगो रहे थे, यानी दोनों नेत्रों से आंसू निकल निकल करके टप टप जमीन में गिर रहे थे और भिगो रहे थे। तभी हुआ क्या कि आई धीरे इस सदन में, सदन माने घर में, रूम में, कमरे में, यानी तभी उसी समय कमरे में पुष्प सदगंध यानी फूलों की सुगंध को लेकर के, फूलों की महक को ले माने ले करके, सुबह वाली, प्रातः वाली माने सुबह वाली सुपवन माने सुगंधित हवा, इसी काल माने उसी क्षण वातायनों से माने खिड़कियों से उस घर के अंदर आई, यानी प्रवेश करती है, यानी तभी जो है सुबह वाली सुगंधित हवा जो है फूलों की सुगंध को लेकर लेकर के घर की खिड़कियों के द्वारा उस घर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जैसे ही प्रवेश करती है हवा, तो राधिका जी का जो दुख था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तभी क्या हुआ कि संतापों को यानी अपने दुख को विपुल माने तीव्रता से बढ़ता देख, माने बढ़ता देख करके, तभी राधिका जी का जो दुख था वो और तेज़ी से बढ़ने लगा। तो अपने दुखों को तेज़ी से बढ़ता देख करके राधा जी और दुखी हो गई, दुखिता हो माने दुखी हो गई, और धीरे बोली सदुख, सदुख माने दुखपूर्वक, धीरे माने धीरे से बोलती हैं उससे माने किससे, हवा से, श्रीमती राधिका यों, यों माने इस प्रकार। तभी राधा जी उस हवा से बोलती हैं, यों माने इस प्रकार, क्या बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कहती हैं कि हे सुबह वाली सुगंधित हवा, प्रातः पवन माने सुगंधित हवा, ये सुबह वाली प्रातःकालीन हवा इतना क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी है माने हो गई हो कलुषित माने ग्रसित हुई माने हुई काल माने समय की क्रूरता से यानी निर्दयता से, ठीक है ना, क्रूरता से यानी बदलाव से, समय के बदलाव से या निर्दयता से, यानी क्या तुम भी समय की निर्दयता से ग्रसित हो गई हो, अर्थात क्या तुम्हारा भी समय खराब चल रहा है जिस प्रकार मेरा समय खराब चल रहा है, क्या उसी तरह तुम्हारा भी समय खराब चल रहा है जो तुम आ करके मुझे परेशान कर रही हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज़ हम अपने नोट्स में देखेंगे। देखिए दो दो पद्यांशों की व्याख्या मैं इकट्ठा लिखना बताऊंगा ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े अलग अलग, और अलग अलग करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए दो दो का मैं इकट्ठा बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स भी दो दो का इकट्ठा करके बनाइएगा, ठीक है। देखो एक तरफ आप लोग लिखेंगे बैठे खिन्ना यक, यानी शुरू के दो तीन शब्द यहाँ के और लास्ट के यहाँ के दो तीन शब्द क्रूरता से जो है आपको दूसरी तरफ लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर, और फिर डैश डैश कर देंगे। देखिए अब आपसे संदर्भ पूछेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, इतना आपको लिखना है।
देखिए व्याख्या हेडिंग डालना है और लिखेंगे, कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास दुखी मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी सुबह वाली सुगंधित तो हवा उस घर में प्रवेश करती है जिसने राधा का दुख और बढ़ा दिया, जिससे राधा पवन से कहती हैं कि हे प्रातःकालीन हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह समय की क्रूरता से ग्रसित हो? इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखो आपसे काव्यगत सौंदर्य पूछेगा तो लिखेंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखेंगे। देख लीजिए भाषा खड़ी बोली है और शैली प्रबंध है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि काव्यगत सौंदर्य में ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही अलग अलग बदलाव देखने को मिलेगा जो मैं हर बार आपको बताता जाऊँगा, वो टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, मैं अलग अलग आपको बताता जाऊँगा। चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर पद्यांश। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। देखो यहाँ पे कहते हैं कि मेरे प्यारे माने प्रीतम, नव नव माने नए नए, जलद से माने बादलों के समान। अब राधिका जी हवा से अपने दुखों को बताती हुई कहती हैं कि हे हवा, मेरे प्रीतम नए नए बादलों के समान जो दिखने में लगते हैं, नए नए बादलों के समान यानी जैसे जैसे नए नए बादल श्यामल कलर के होते हैं वैसे ही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण भी थे। ठीक है ना, जो नए नए बादलों के समान लगते हैं देखने में और उनके नेत्र जो है ना कंज से हैं यानी कमल के समान हैं, यानी मेरे प्रियतम नए नए बादलों के समान लगने वाले अर्थात श्री कृष्ण जो हैं उनके नेत्र कमल के समान हैं, कमल के समान नेत्र वाले और नए नए बादलों के समान दिखने वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो हैं, जाके आए ना, जाके माने गए हुए हैं, कहाँ पे मथुरा गए हुए हैं, आए ना मतलब नहीं आए, यानी जब से गए हुए हैं तब से नहीं आए, मधुबन से मानी जब से वो मधुबन से वहाँ पे गए हुए हैं, मथुरा में गए हुए हैं। मधुबन कौन है? देखिए मधुबन है ब्रज में स्थित एक वन, ठीक है ना, ब्रज में स्थित एक बगीचा, यानी कहती हैं कि जब से वो इस ब्रज के बगीचे से गए हुए हैं यानी जब से वो मधुबन से गए हुए हैं तब से वो लौट करके नहीं आए। ठीक है ना, और ना भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई व्हाट्सअप चैट, यानी कोई भी कॉल वगैरह वो नहीं किए। और मैं रो रो के प्रिय विरह से यानी अपने प्रियतम के वियोग से, प्रिय विरह माने अपने प्रियतम के वियोग से मैं रो रो करके बावली अर्थात पागल के जैसे हो गई हूँ। ठीक है, बावली हो रही हूँ यानी अपने प्रियतम के वियोग में मैं रोते रोते पागल सी होती जा रही हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, हे पवन तू मेरा एक काम कर दे कि चली जा वहाँ पे और मेरी सारी दुख की कथा जो है यानी मेरी ये सारी दुख की कथा तू कन्हैया को यानी श्री कृष्ण को जा करके सुना दे। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा भी दोनों का इकट्ठा व्याख्या देखेंगे। तो अब यहाँ पे जब हवा जाने के लिए तैयार हो जाती है तो राधिका जी उसको रास्ता बताने लगती हैं और कहती हैं क्या क्या तुझे करना है, क्या क्या नहीं करना है। कहती हैं कि ज्यों ही माने जैसे ही मेरा घर भवन माने घर तज माने त्याग करके, यानी जैसे ही तू मेरा घर त्याग करके अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यानी जैसे ही मेरा घर छोड़ के तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली माने सुंदर दिखने वाली, शोभायमान सुखद माने सुख प्रदान करने वाली, कितनी माने बहुत सारी, मंजु माने सुंदर सुंदर, कुंजे माने बगीचे बाग बगीचे मिलेंगी माने मिलेंगी, यानी जैसे ही तू मेरा घर छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ना तो तुझे बहुत सारी सुंदर सुंदर दिखने वाली और सुख प्रदान करने वाली बाग बगीचे मिलेंगी और उन बाग बगीचों की प्यारी छाया जो है ना मीठे स्वर से यानी मीठे स्वर से कहेंगी आओ आओ और बैठ जाओ यहाँ पे, यानी मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, यानी वो जो सुंदर सुंदर छाया है ना तुमको मोहित कर लेंगी और वहाँ पे विश्राम करने के लिए प्रेरित करेंगी कि इस छाया में आराम कर लो। ठीक है ना, लेकिन तो भी मेरा दुख लख, तब भी हे पवन तुम मेरा दुख लख माने दुख को याद करके, हे पवन तुम मेरे दुख को याद करके उस बगीचे में जा करके विश्राम न लेना अर्थात बिल्कुल भी आराम मत करना, तुम वहाँ पे रुकना ही मत, तुम चली जाना आगे और श्री कृष्ण के पास जाना, मेरे दुख को याद कर लेना कि राधिका जी ने बताई हैं कि वो दुखी हैं और जा करके तुम वहाँ से चली जाना, वहाँ पे बिल्कुल भी विश्राम मत लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तरफ लिखेंगे मेरे प्यारे नव, दूसरी तरफ विश्राम लेना। ठीक है, जैसे देख लो नोट्स में देख लीजिए ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो। देखिए
आप लोग एक तरफ लिखेंगे मेरे प्यारे नव, दूसरी तरफ विश्राम लेना। संदर्भ आपको पूर्ववत लिखना है, यानी जैसा पिछले वाले में आप लोग लिखे थे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेम वैसे ही इसमें भी आपको लिख देना है। अब देखिए व्याख्या में लिखेंगे, हवा से अपने दुखों को बताती हुई राधा कहती हैं कि नए नए बादलों के समान सुंदर एवं कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ब्रज के इस वन यानी मधुबन से, मधुबन को जब से छोड़ करके गए हैं फिर यहाँ नहीं आए और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं उनके वियोग में रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः हे पवन तुम मेरे इन दुखों को जा करके उन्हें बता दे। राधा कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी यानी बाग बगीचे मिलेंगे। वहाँ की सुंदर छाया व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रख करके तुम वहाँ विश्राम मत करना। ठीक है, इतना आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदा क्रांता सभी में रहेगा, ध्यान देना। अलंकार आपका उपमा रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश रहेगा और मानवीकरण रहेगा। ठीक है, मानवीकरण सभी में रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे हवा को एक दूती के रूप में चित्रित किया गया है, यानी हवा को जो कि उसको एक सजीव रूप में चित्रित किया गया है, मानव माना गया है, इसलिए मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, गुण प्रसाद हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिधा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले में, देखते हैं उसको भी और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पांचवा वाला आप सभी के सामने आ चुका है। थोड़ा आगे सरस रो का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। देखो आगे राधिका जी कहती हैं कि थोड़ा सा आगे तू जाएगी जब ना, तो सरस, सरस माने रस से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण का मतलब ये है कि आनंद से परिपूर्ण, ठीक है ना। और जैसे तू और आगे जाएगी तो रस से परिपूर्ण यानी आनंद से परिपूर्ण राव का, राव का माने ध्वनियों से युक्त, ठीक है, ध्वनियों से युक्त धाम मिलेगा, ध्वनियों से युक्त धाम मिलेगा सतपुष्प वाला, यानी ऐसा धाम जो हजारों पुष्पों से, सतपुष्प, सतपुष्प यानी सैकड़ों पुष्पों से लदा हुआ रहेगा। ठीक है ना, यानी कौन मिलेगा अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसी में बताया गया है। और अच्छे अच्छे माने अच्छे अच्छे, बहुद्रुम माने बहुत सारे, द्रुम माने पेड़ पौधे, लतावान माने लताएं, सौंदर्यशाली माने सुंदर दिखने वाली। ठीक है, और प्यारा वृंदा विपिन क्या मिलेगा, वृंदा विपिन यानी वृंदावन मिलेगा। कहती हैं कि सुंदर वृंदावन मिलेगा जो हजारों पुष्प यानी सैकड़ों पुष्पों से लदा हुआ है, यानी वृंदावन तुमको मिलेगा रास्ते में जो सैकड़ों पुष्पों से लदा हुआ है, उसमें बहुत सारी लताएं हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं जो दिखने में बहुत सौंदर्यशाली हैं, वो प्यारा सा वृंदावन जो है ना तेरे मन को मुग्ध कर लेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा यानी तेरे मन को मोह लेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना, कहती हैं किंतु कहती हैं हे पवन तुम इस जंगल से आना जाना, आना जाना इस विपिन, विपिन माने जंगल, ठीक है ना, विपिन अरण्य जंगल, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं, यानी तुम इस जंगल से आना जाना लेकिन मुहे माना, मुहे माना माने मोहित, मोहित मत होना। हे पवन तुम इस वृंदावन से आना जाना लेकिन बिल्कुल भी तुम इस पर मोहित मत होना। ठीक है, चलो एक बार इसको फिर से बताएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट यहाँ पे बना होगा। देखो आगे राधिका जी कहती हैं कि हे पवन जब तू जाएगी ना तो रास्ते में तुझको वृंदावन मिलेगा, ऐसे लिखना है, ठीक है ना, रास्ते में तुझको आनंद से परिपूर्ण, सरस माने आनंद से परिपूर्ण वृंदावन मिलेगा जिसमें सैकड़ों पुष्पों वाले पौधे मिलेंगे तुमको और बहुत सारी लताएँ मिलेंगी जो दिखने में बहुत सुंदर रहेंगी और वो वृंदावन तेरे मन को मोहित कर लेगा, लेकिन तू इस जंगल से आना जाना लेकिन इस पर बिल्कुल भी मोहित मत होना। ठीक है, आगे कहती हैं जाते जाते माने आने जाने के क्रम में, अगर पथ में माने रास्ते में, यानी जब तू वहाँ जा रही होगी अगर रास्ते में तुझको कोई क्लांत माने थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, यानी रास्ते में तुझको कोई थका हुआ व्यक्ति मिले तो जा करके, तो जाके माने जा करके सन्निकट माने पास उसकी क्लांतियों को, क्लांतियों माने थकावट को मिटाना माने मिटा देना, यानी अगर रास्ते में तुझको कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई देना तो उसके पास जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। ठीक है ना, यानी उस थके हुए व्यक्ति की थकावट को मिटा देना और फिर धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, यानी उसके शरीर के आसपास तुम चलना जिससे तुम इसके शरीर को स्पर्श कर लोगी, यानी उसके शरीर को धीरे धीरे तुम स्पर्श करके उसके शरीर की उत्ताप माने गर्मी को खोना माने खो देना, यानी उसको जब तुम हवा हो जब तुम वहाँ पे चलोगी तो उसके शरीर की गर्मी जो है वो दूर हो जाएगी, यानी उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके शरीर की गर्माहट को खो देना और सदगंधों से यानी अपने सुगंधों से
हे पवन, तुम अपने सुगंधों से श्रमित जन, श्रमित जन माने थके हुए व्यक्ति को, यानी जो थका हुआ व्यक्ति रहेगा उसको हर्षितों सा यानी प्रफुल्लित मन वाला बनाना माने बना देना। हर्षितों सा माने खुश व्यक्ति या प्रफुल्लित व्यक्ति, ठीक है ना, यानी अपनी सुगंधों के द्वारा उस थके हुए व्यक्ति को तुम हर्षितों के जैसा बना देना, यानी प्रसन्न मानो मन वालों के समान बना देना। अब देखिए एक तरफ आप लोग लिखेंगे थोड़ा आगे, दूसरी तरफ लिखेंगे सा बनाना, ठीक है। चलो नोट्स में देखते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं ताकि आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं और आप सभी का एक एक डाउट क्लियर हो। एक तरफ लिखेंगे थोड़ा आगे सरस, दूसरी तरफ सा बनाना, फिर डैश डैश कर देंगे, संदर्भ पहले के जैसा। व्याख्या में लिखेंगे राधा मथुरा जाने वाली हवा से कहती हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर तुम्हें अत्यंत सुंदर जगह वृंदावन मिलेगा। सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना। आगे राधा कहती हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके पास चली जाना, फिर धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना, साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदाक्रांता, अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास, ठीक है। गुण प्रसाद हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिदा हो जाएगी। देखो पुनरुक्ति प्रकाश क्यों होता है, पुनरुक्ति प्रकाश वहाँ पर होता है जहाँ एक ही शब्द दो दो बार आए और दोनों बार सेम अर्थ में आए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जाते जाते दो बार आया है तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसी वजह से हुआ है, ठीक है। और उपमा अलंकार भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये लिखा हुआ है हर्षितों सा बनाना, सा सी सरिस शब्द जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब चलते हैं अगले में, यानी सातवें और आठवें में, इन दोनों को भी समझते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। अब यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि लज्जाशीला, लज्जाशीला माने लाजवती या कह लो इज्जतदार यानी शर्मीली, कहती हैं अगर कोई लाजवंती स्त्री, लाजवती, लाजवंती माने लाजवती, पथिक माने राहगीर महिला माने स्त्री, अगर रास्ते में तुमको कहीं दृष्टि आए यानी दिखाई दे, अगर रास्ते में तुमको कोई लाजवती स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, विकृत माने बिखरे हुए वस्त्रों वाली, विकृत वसना माने बिखरे हुए वस्त्रों वाली, तो माने तो, ना माने नहीं, तू माने तो, सुंदरी को माने स्त्री को, यानी अगर रास्ते में कोई तुमको लाजवती स्त्री दिखाई दे तो उस स्त्री के विकृत वसना मत कर देना, ना माने नहीं, तू माने तू, उस स्त्री के कपड़ों को वसना माने कपड़ों को विकृत माने बिखेरना मत, यानी वहाँ पे धीरे से चलना। अगर कोई स्त्री तुमको रास्ते में दिखाई दे तो वहाँ पे इतना स्पीड से मत चलना कि उसके कपड़े ही उड़ जाएं, है ना, यानी उसको विकृत वसना मत कर देना। देखिए समझो, होने देना, होने देना विकृत वसना, विकृत वसना माने बिखरे हुए वस्त्रों वाला, तो माने तब, ना माने नहीं, तू माने तुम सुंदरी को माने उस स्त्री को, यानी तुम उस स्त्री को बिखरे हुए वस्त्रों वाला मत होने देना, ठीक है ना, यानी वहाँ पे धीरे चलना जिससे उसके वस्त्र जो हैं वो बिखरेंगे नहीं। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और यदि वह तनिक भी श्रमित हो यानी थकी हुई हो, अगर वह स्त्री तनिक भी थकी हुई हो तो गोद ले यानी उसको अपने गोद में उठा लेना और उसकी श्रांतियों माने थकावट को खोना माने खो देना, ठीक है, उसकी श्रांति यानी थकावट को खो देना और उसका जो होंठ है उसके होंठों की यानी उसके होंठों की और मलिन कमल मुख, कमल मुख माने कमल के जैसे मुख होंगे उसके, यानी उसके होंठों और कमल के जैसे मुख की जो मलिनता हो यानी मुरझापन जो हो, गर्मी से अगर वो उसके होंठ और मुख जो है मुरझा गए हों, मलिनता आ गई हो, तो उसको मिटा देना, यानी अच्छे से हवा चलना वहाँ पे तो जो है उसकी थकावट वगैरह सब दूर हो जाएगी, है ना, उसके मुख और होंठों की मलिनता को तो दूर कर देना। आगे कहती हैं कोई क्लांता, क्लांता माने थकी हुई, क्लांता माने थकी हुई कृषक, कृषक माने किसान की ललना माने पत्नी, कृषक माने किसान की ललना माने पत्नी, खेत में माने खेत में जो दिखावे माने यदि दिखाई दे। आगे कहती हैं जब हवा तू मथुरा जा रही होगी तो अगर रास्ते में तुझको या कह लो खेत में तुझको अगर किसी किसान की पत्नी दिखाई दे, अगर रास्ते में तुझको किसी किसान की पत्नी दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करना, परस उसकी माने स्पर्श करना यानी छूना और उसकी क्लांतियों यानी थकावट को मिटा देना, ठीक है, उस स्त्री की थकावट को मिटा देना और देखना वहाँ पे आसपास जाता माने जा रहा हो कोई, माने कोई जलद माने बादल
यदि हो माने हो, व्योम में यानी आकाश में, और वहाँ पे देखना आसपास अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो ना तो उसको लाना, उसे ला यानी उसको लाना और उस बादल की छाया द्वारा सुखित कर देना यानी सुख प्रदान कर देना। तप्त, तप्त माने थकी हुई, भूतांगना माने थकी हुई स्त्री को, भूतांगना माने मेहनत करके थकी हुई, ठीक है ना। भूतांगना का मतलब क्या हुआ, मेहनत करके थकी हुई उस स्त्री को तुम छाया द्वारा सुखित करना यानी बादल की छाया प्रदान कर देना जिससे उसको सुख प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ताकि आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए आप लोग एक तरफ लिखेंगे लज्जाशिला पथिक, दूसरी तरफ भूतांगना को, ठीक है, डैश डैश कर देना। संदर्भ पहले जैसा व्याख्या में लिखेंगे, राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुमको रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, साथ ही उसके होठों और कमल जैसे, कमल सदृश माने कमल के समान दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को दूर कर देना। यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखाए तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना, साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रोवाइड करना, ठीक है। देखिए काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदाक्रांता, अलंकार रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण भी है, गुण आपका प्रसाद हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिदा हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आगे की चीज़ों को समझते हैं। अभी कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है अगले चैप्टर्स की वीडियो बनाने में। देखिए यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, जाता जाता दो बार आया हुआ है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। देखिए जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, हो बजाना तक, ठीक है। देखो जाते जाते यानी राधिका जी कहती हैं कि जाते जाते यानी पहुँचते पहुँचते, पहुँचते माने तुम पहुँच जाओगी मथुरा धाम में, यानी रास्ते में चलते चलते तुम मथुरा धाम में पहुँच जाओगी और वहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगी, उत्सुका हो माने एक्साइटेड हो जाओगी उस मथुरा नगर को देखने के लिए, यानी जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुँच जाओगी और उस मथुरा धाम की सुंदरता को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाओगी, उत्सुक हो जाओगी। तो आगे राधिका जी कहती हैं कि न्यारी शोभा माने सुंदर सुंदरता, वर माने श्रेष्ठ नगर की, यानी उस श्रेष्ठ मथुरा नगर की जो सुंदरता है उसको देखना और उस पर मुग्ध होना, यानी अभी तक कहती थी कि किसी भी चीज़ पर मुग्ध मत होना, लेकिन कहती हैं मथुरा नगर की सुंदरता पर तुम मुग्ध हो जाना, यानी वहाँ पर जो सुंदरता है उसको देखना और अच्छे से उस पर मोहित हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर राधिका जी कहती हैं तू होवेगी यानी तू हो जाएगी चकित माने आश्चर्यचकित, विस्मय में पड़ जाएगी, यानी हे हवा तुम वहाँ पर चकित तो हो जाओगी, आश्चर्यचकित तो हो जाओगी, लख के माने देख करके, मेरु माने सुमेरु पर्वत से माने समान, यानी सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित तो हो जाओगी। सुमेरु पर्वत आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, ठीक है। देखो कहती हैं कि तुम आश्चर्यचकित तो हो जाओगी सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े मंदिरों को देख करके, ठीक है। और आगे कहती हैं कि उन मंदिरों के कलश जो हैं ना, कलशे जो हैं, जैसे मंदिरों के ऊपर कलशे लगे हुए होते हैं, यानी उन मंदिरों के कलशे जो हैं ना आभा वाले हैं यानी चमक वाले हैं, और उन कलशों की चमक उस तरीके से है जैसे कोई दूसरा, दूसरे माने दूसरा, अर्क माने सूर्य, अर्क किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, यानी कि वो जो मंदिरों के कलशे हैं इस तरीके से चमक रहे हैं जैसे कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो, दूसरे अर्क के से माने समान है, यानी उन मंदिरों के कलशों की चमक दूसरे सूर्य की चमक की तरह है, अर्थात जैसे सूर्य चमक रहा हो कोई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। आगे यहाँ पे राधिका जी कहती हैं उसको, किसको, पवन को, कहती हैं देखे माने देखना कि जब वहाँ पे पूजा शुरू हो जाए, जब मथुरा के मंदिरों में पूजा शुरू हो जाए ना तो पूजा के समय में तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य चली जाना, यानी मथुरा के मंदिरों के अंदर घुस जाना जब तुम देखना वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया हो तो, ठीक है ना। और जैसे ही वहाँ पूजा पाठ शुरू होगी तो तुम वहाँ पर पहुँचना और नाना माने अनेक प्रकार के वाद्यों माने वाद्य यंत्रों, यानी ऐसे यंत्र जो बजाए जाते हैं जैसे हारमोनियम हो गया, ढोल हो गया, घंटी हो गई, ठीक है, और भी कई होते हैं, सितार वगैरह हो, गिटार वगैरह, है ना। कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाना, मंदिरों के मध्य जाना
और वहाँ पे बजने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के जो मीठे स्वर है ना, उसकी मुग्धता को बढ़ा देना, ठीक है ना। यानी तुम भी वहाँ पे चलना धीरे धीरे, तो इससे जो है वो और अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। या फिर किंवा माने या फिर कहती हैं किंवा माने अथवा, या फिर ले के माने ले लेना, रुचिर माने अपनी इच्छा अनुसार, रुचिर माने इच्छा अनुसार, तरु माने वृक्ष के, ऐसा कोई वृक्ष ढूंढना जिसका फल जो है आवाज़ करता है। जैसे नेनुआ जो होता है ना, सूख जाता है तो क्या होता है, उसको बजाते हैं तो खर 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 बजता है। जो है लौकी भी ऐसी होती है, यानी बजती है सूखने के बाद। तो कहती हैं कि तुम वहाँ पे ढूंढना कोई ऐसा वृक्ष अपनी इच्छा अनुसार, रुचिर माने सुंदर भी होता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार ढूंढना कोई ऐसा वृक्ष जिसका फल जो है शब्दकारी हो, यानी शब्द करता हो, आवाज़ करता हो, ध्वनि निकलती हो जिसके फलों से, और उसको ले लेना और फिर धीरे धीरे मधुर रस से, यानी मीठी ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना, यानी आनंदित हो करके उस फल को तुम बजाना, जिससे आरती में उसकी ध्वनि भी सुनाई देगी बढ़िया से, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज़ चलो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका एक एक डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। आप लोग एक तरफ लिखेंगे जाते जाते, दूसरी तरफ हो बजाना, ठीक है। संदर्भ पूर्वत व्याख्या में लिखेंगे, राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते तुम मथुरा नगरी पहुंच जाओगी और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की शोभा को देखकर उस पर मुग्ध हो जाना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। राधा पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा की जा रही हो, उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्यों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे मुग्ध होकर के बजाना, ठीक है। काव्य का सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदा क्रांता गुण प्रसाद, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और अनुप्रास, शब्द शक्ति अभिधा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे जो हैं आगे वाले, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो 10 तक हम पूरा कर चुके हैं। देखते हैं ग्यारहवा और बारहवा दोनों को समझते हैं, एक एक चीज़ को हम अच्छे से फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वरनगर वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे राधिका जी कहती हैं, जब तुम आरती करने वहाँ पे जाओगी ना, पूजा में शामिल होगी, तो वहीं पर तुम देखोगी, वहीं पे तू देखेगी माने तुम देखोगी जलद माने बादलों के समान शरीर वाले को, यानी श्री कृष्ण को, ठीक है ना। जा वहीं जा माने जा करके वहीं पे, तदगता माने तल्लीनता से, तदगता माने तल्लीनता से, यानी तुम वहाँ पर जाओगी जैसे, तो तल्लीनता पूर्वक तुम वहाँ पे श्री कृष्ण को देखोगी, ठीक है। यानी बादलों के समान शरीर वाले, श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण को तुम तल्लीनता पूर्वक, यानी धैर्य पूर्वक उनको देखोगी, और जब तुम उनको देखोगी ना, तो होंगे लोने नयन, लोने नयन माने सुंदर नयन, उनके नेत्र जो हैं बहुत ही सुंदर होंगे, और ज्योति माने प्रकाश उत्तीर्ण करने वाले होंगे, प्रकाश ज्योति माने प्रकाश या उजाला, उत्तीर्णकारी माने उत्पन्न करने वाले होंगे, यानी उनके नयन जो हैं प्रकाश उत्पन्न करने वाले होंगे, और क्या होगा कि मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके श्रेष्ठ वदन माने मुख की, यानी उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी, यानी उनके मुख की जो बनावट होगी, उनके मुख की जो बनावट होगी, मुद्रा होगी का मतलब बनावट होगी, यानी उनके उस श्रेष्ठ मुख की जो बनावट होगी ना, वो मूर्ति सी सौम्यता की, अर्थात एक मूर्ति की सुंदरता के समान होगी। मूर्ति सी सौम्यता की मतलब ये हुआ कि मूर्ति की सुंदरता के समान उनके मुख की बनावट होगी, ठीक है। और उनके सीधे साधे वचन जो है ना, उनके जो है ना सिक्त माने सींचे होंगे, अर्थात युक्त होंगे, भरे होंगे सुधा से माने अमृत से, यानी उनके जो वाणी होगी, उनकी जो आवाज़ होगी, वो अमृत से सिक्त होगी, अर्थात अमृत से सनी हुई तुमको दिखाई देगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या। देखो आगे कहती हैं राधिका जी कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, नीले माने नीले, नीले फूले माने खिले हुए, कमल दलसी माने कमल की, कमल के समूहों के समान, यानी ऐसा कमल जो नीला नीला होता है, आप लोग देखे होंगे कमल कई रंगों में पाया जाता है, तो यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि नीले नीले फूले हुए कमल के समूहों के समान उनके शरीर का सांवलापन है, यानी जैसे नीला कमल हमें दिखने में हल्का सांवले कलर का दिखाई देता है, वैसे ही उनके शरीर का जो सांवलापन है ना, वो नीले हुए खिले हुए कमल के जैसा दिखाई देगा।
और वो पीला प्यारा वसन माने वस्त्र, ठीक है ना। पीला प्यारा माने पीला, पीला प्यारा, प्यारा माने सुंदर, सुंदर वसन माने वस्त्र जो हैं अपने कटी माने कमर में पहनते हैं, जो कि उनके ऊपर फबीला है यानी जमता है। फबीला शब्द का मतलब क्या होता है, जमता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी वो अपने कमर में वो पीला पीला वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फबता है उनके ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा जमता है। और छूटी माने छूटी हुई, छूटी माने छूटी हुई, काली माने काली काली, अलक अलक माने बालों की लट, अलक माने क्या होता है, बालों की लट, यानी उनके मुख के बगल से जो उनके बालों की लट लटकी हुई है ना, वो उनके मुख की कांति को यानी सुंदरता को बढ़ा देती है, यानी उनके बालों की लट जो है उनके मुख के बगल से जो लटकी हुई है वो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ा देती है। और सदवस्त्रों माने अच्छे अच्छे कपड़ों में, सदवस्त्रों माने अच्छे अच्छे कपड़ों में उनके नवल माने नई नई तन माने शरीर की फूटती सी माने फूटती रहती है, प्रभा माने चमक, यानी अच्छे अच्छे कपड़ों में उनके शरीर से अलग ही प्रकार की चमक निकलती है। हे पवन तुम इस तरीके से उनको पहचान जाओगी, ठीक है ना, देखना कि उनके शरीर से कुछ अलग ही प्रकार की चमक निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे इसको भी चलिए देख लेते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग एक तरफ लिखेंगे तू देखेगी जलद तन, दूसरी तरफ प्रभा है, ठीक है। संदर्भ आप लोग पूर्वत लिख देंगे, व्याख्या में लिखेंगे राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसी श्यामल कृष्ण को तल्लीन होकर देखोगी, धैर्य पूर्वक देखोगी, उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सुंदर मूर्ति हो, ठीक है। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे, हे पवन दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान सांवला और मनोहर है, वे कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं, उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वह अपने शरीर से प्रकाश की किरणें बिखेरते रहते हैं, ठीक है, ऐसे तुम उनको पहचान जाओगी। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध छंद मंदाक्रांता, अलंकार में उपमा अनुप्रास और रूपक, गुण आपका प्रसाद हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिधा हो जाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे वाले जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी फिनिश करते हैं, 12 तक हमने पढ़ लिया है, अब 13वां और 14वां देखते हैं, ठीक है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। आगे यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, यानी उनका संपूर्ण शरीर जो है ना दिव्य है, अलौकिक है, सौंदर्यशाली है माने सौंदर्यशाली है यानी सुंदर है दिखने में, यानी उनका पूरा शरीर जो है इतना चमत्कारिक है, इतना प्रकाश निकलता है उससे, अलौकिक है और दिखने में बहुत सुंदर है, और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सांचा माने सांचे माने सांचा में ढाला गया हो, सांचे ढाला माने किसी सांचे में ढाली गई चीज़ एकदम सुंदर लगती है दिखने में ना, तो वैसे ही उनका जो पूरा शरीर है ना दिखने में अलौकिक है, सौंदर्यशाली है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको किसी सांचे से ढाला गया हो, सुडावल है शरीर उनका, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे कहती हैं राधिका जी कि सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, सतपुष्पों सी माने सुंदर सुंदर पुष्पों से निकलने वाली सुगंध, सतपुष्पों सी सुरभ माने सतपुष्पों सी यानी सुंदर सुंदर पुष्पों से निकलने वाली सुगंध की भांति उनके शरीर से सुगंध अलग ही प्रकार की निकलती रहती है जो प्राणों को संपोषित करने वाली है। प्राण संपोषिका माने प्राणों को पोषित करने वाली, अर्थात प्राणों को, प्राणों का पालन पोषण करने वाली, ठीक है ना। यानी उनके शरीर से जो सुगंध निकलती है ना, सुरभि भी निकलती है ना, जो सुगंध निकलती है वो सुंदर पुष्पों के समान है, जैसे सुंदर पुष्पों से सुगंध निकलती है ना, वैसे ही उनके शरीर से सुगंध निकलती रहती है जो प्राणों को संपोषित करने वाली है, अर्थात प्राणों का पालन पोषण करने वाली है, अर्थात हमारे प्राणों को सुख प्रदान करने वाली होती है। आगे यहाँ पे राधिका जी कहती हैं कि उनके दोनों कंधे जो हैं ना, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ, यानी बैल या सांड कह लो, ठीक है ना, यानी उनके कंधे जो हैं ना, श्री कृष्ण के जो कंधे हैं ना, वो एक श्रेष्ठ सांड की तरह हैं, यानी जैसे किसी सांड के कंधे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं ना, वैसे ही श्री कृष्ण के दोनों कंधे जो हैं ना किसी श्रेष्ठ सांड की तरह हैं और बड़े ही सजीले हैं, यानी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और उनकी लंबी बाहें जो है ना, यानी श्री कृष्ण की आप देखेंगे वहाँ पे लंबी बाहें जो दिखाई देंगी ना, वो कलभ माने हाथी के कर माने सूंड की तरह है। कलभ कर का मतलब ये है हाथी का सूंड, यानी कि उनकी बाहें जो है ना हाथी के सूंड के समान है और शक्ति की पेटिका है। पेटिका माने पेटी है, अर्थात कह लो शक्ति का समूह है, यानी उनका जो हाथ हैं, जो लंबी लंबी बाहें हैं ना,
शक्तियों से भरी हुई पेटी के समान है, अर्थात जिस प्रकार हाथी के सूंड में बहुत ज्यादा ताकत होती है, वैसे ही उनकी लंबी लंबी बाहें हैं और शक्तियों से परिपूर्ण है, बहुत ज्यादा ताकत उनमें भरी हुई है। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे देखिएगा, राजाओं सा अर्थात राजाओं के समान, बड़े बड़े राजाओं के समान उनके सिर पर अर्थात उनके सर पर मस्तक पर लसा माने, या कह लो रखा हुआ होगा, लसा माने सुशोभित तो होता होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, लसा माने सुशोभित तो होगा, दिव्य माने अलौकिक, आपीड माने मुकुट, यानी राजाओं के जैसे उनके सिर पर मुकुट रखा हुआ होगा, और शोभा होगी उभय श्रुति, उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, शोभा होगी माने सुंदरता होगी, यानी उनके दोनों कानों में स्वर्ण माने सोने के कुंडलों की भांति, ठीक है ना, यानी उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की सुंदरता तुमको दिखाई देगी। ठीक है, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल पहने हुए होंगे वो, ठीक है ना। आगे राधिका जी कहती हैं कि नाना माने अनेक प्रकार के, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्नाकलित माने रत्नों से जड़ित, रत्नाकलित माने रत्नों से जड़ित, यानी अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त उनके भुजा में, भुज में माने भुजा में, मंजू माने सुंदर सुंदर, केयूर, केयूर क्या होता है, बाजू बंद, जिसको भुज बंद भी बोलते हैं, केयूर आप लोग जानते हैं, कई लोग भुजा में पहनते हैं ना, भुजा में पहनते हैं उसको बाजू बंद या केयूर या भुज बंद भी कहते हैं, यानी श्री कृष्ण के भुजा में आपको सुंदर सुंदर बाजू बंद पहने हुए दिखाई देंगे, जो अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित हैं, यानी उसमें बहुत ज़्यादा रत्न लगे हुए हैं, और मोतीमाला लसित, मोतीमाला लसित माने मोती मालाओं से युक्त, मोतीमाला लसित माने मोती मालाओं से युक्त उनका, यानी श्री कृष्ण का कंबू अर्थात शंख के समान कंठ होगा, अर्थात गर्दन होगी, और मोती मालाओं से युक्त श्री कृष्ण का गर्दन होगा, जो शंख की तरह तुमको दिखाई देगा, और ऐसे तुम श्री कृष्ण को पहचान जाओगी। ठीक है ना, चलो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं आपको। आपको एक तरफ लिखना है सांचे ढाला, दूसरी तरफ कंठ होगा लिखेंगे, डैश डैश कर देंगे, संदर्भ पूर्वत व्याख्या में लिखेंगे। राधा पवन से कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को प्रसन्न कर देने वाली है, उनके कंधे दिखने में सांड के कंधों की तरह अत्यधिक बलशाली हैं, उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान अति शक्तिशाली हैं, उनके मस्तक पर राजाओं के समान मुकुट विराजमान होगा, उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित तो होंगे, वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे, शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये व्याख्या हो गई। काव्य का सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली शैली प्रबंध हो जाएगी, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उपमा और अनुप्रास, गुण प्रसाद शब्द शक्ति अभिधा हो जाएगी। और यहाँ से दोस्तों इस चैप्टर को और इस वीडियो को एंड करते हैं। देखिए इस चैप्टर का आधा पोर्शन फिनिश हो चुका है, 14 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसके 12 और बचे हुए हैं, टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 26 हैं। ठीक है, 26 हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं, इसलिए मिलेंगे आप सभी के साथ नई वीडियो में। आप सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए।